गाइस वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, बिग बॉस के दो लल्लू पहुंच चुके हैं खतरों के खिलाड़ी में। जी हां, जहां एक और हैं असीम रियाज, जो कि बहुत ही समय बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं, और वहीं दूसरी ओर हैं अभिषेक कुमार। तो भाई, जिन्हें सस्ता सिद्धार्थ कहने लगे थे लोग, सस्ता असीम रियाज कहने लगे थे जब वो बिग बॉस के घर के अंदर थे। एक्चुअली अभिषेक भी इसी वजह से जाने जाते थे, सिर्फ वो अपने लड़ाई एग्रेशन की वजह से ही बिग बॉस में वो भी ज़्यादा जाने गए हैं। एंड अब ये दोनों एंग्री पर्सन्स आ चुके हैं खतरों के खिलाड़ी में। तो सबसे पहले भाई, दोनों लोगों को आई थिंक ये सोच समझ के जाना चाहिए था कि ये खतरों के खिलाड़ी है, ना कि बिग बॉस है। दोनों यहाँ पर भी वही अपने पुराने घिसे पिटे रिएक्शंस, धक्का मारना और औकात क्या है, यही सब बोलते हुए नजर आ रहे हैं दोनों। मानो अभी भी ये बिग बॉस के ही जोन में हैं दोनों के दोनों। आपको बताते हैं कि नया प्रोमो आया है खतरों के खिलाड़ी का, और इस दौरान जो है वहाँ पे असीम रियाज को लेकर थोड़ा सा मजाक बनता है। वहाँ पे एक और कंटेस्टेंट थी जिन्होंने कहा कि असीम जो है पूरे रास्ते यही बोलते रहा कि बहुत पेन सहा हूँ लाइफ में, बहुत पेन सहा हूँ। ऐसे में असीम ने कहा कि इन्हें क्या समझ में आएगा, ये एक पूरा झुंड है जो मुझको पीछे पड़ा है, मेरे पीछे पड़ा है इस तरीके से, और ऐसे झुंड तो मैंने बहुत सारे झेले हैं, बहुत मैंने मतलब ऐसे झुंडों को देखा है। ये कहना था असीम रियाज का। लेकिन असीम रियाज को लेकर अभिषेक कुमार भी यहाँ पे बोल पड़ते कि क्या इतना लड़ क्यों रहा है, लड़ाई क्यों कर रहा है अभिषेक बोलते हैं। एंड इसके बाद जो है असीम कहते हैं औकात में रह कर बोलना चाहिए, किससे बात करें, मजाक देख कर बोलना चाहिए कि किससे बात कर रहे हैं। ये हैं असीम रियाज के शब्द। देन उसके बाद फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि असीम और अभिषेक कुमार की, नकली कुमार जिसे लोग कह रहे हैं एक इधर, असीम रियाज जिन्हें हम सभी प्यार से क्राई बेबी बोलते हैं, तो इन दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट होती है। और उसके बाद जो है असीम रियाज अपना जूता दिखाते हैं और कहते हैं ये है बिग बॉस का चाटा ले चाट। ये कहना था असीम रियाज का अभिषेक को लेकर। यहाँ पे अभिषेक और असीम दोनों धक्का मुक्की भी लिटरली करते हैं, जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है। मतलब हम बिग बॉस से अच्छा खासा हम बिग बॉस से वाकिफ हैं, अब खतरों के खिलाड़ी में भी वही सब देखने को मिलेगा कि खतरों के खिलाड़ी में इतना ज़्यादा एग्रेशन। ये तो फिर यही हो गया ना कि आप सिर्फ वही कर ही सकते हो, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि आप सिर्फ एग्रेशन ही कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग कुछ भी नहीं हो, जीरो। क्या बोलते हैं आप दोस्तों, असीम और अभिषेक क्या जानबूझ के हरकतें करते हैं जस्ट लाइक बिग बॉस के जैसे? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, साथ ही साथ और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।